हीरोइन अपनी सासू माँ के लिए कॉफी लेके जाती है और जैसे सासू माँ कॉफी पीती है हीरो को अपनी मॉम की चिल्लाने की आवाज आ जाती है, तो वो भाग के बाहर आता है। उसे लगता है उसने उसकी मॉम को जहर दे दिया, पर पता चलता है हीरोइन ने कॉफी में जहर नहीं श्रिम्प पेस्ट मिला दिया था। तो मॉम को बिल्कुल पसंद नहीं क्योंकि मॉम ने उसे बहुत सारे घर के काम दे दिए थे। फिर क्या, दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। मॉम उसके थप्पड़ लगाती है तो वो हीरो के थप्पड़ लगाती है। बेचारा हीरो पिट पिट के थक गया था। मॉम हीरोइन का और हीरोइन हीरो का मार मार के भुर्ता बना देती है। रेविच वॉज लाइक प्लीज स्टॉप और इन द एंड उसे थप्पड़ मार कर स्विमिंग पूल में गिरा देती है। बट वो फिर से लड़ने लगती है। देन हीरो वॉज लाइक मैंने ये क्या कर लिया। तो आखिर इस महायुद्ध की वजह क्या है, ये जानने के लिए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना, और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं हीरो रेविच फॉरेन से स्टडी करके आया था। मॉम उसे हटाकर कार में ये देखने लगती है कि कहीं वो फॉरेन बहू तो नहीं लेके आ गया। वो मना कर रहा था। इनफेक्ट रेविच के बड़े ब्रदर की वाइफ सुनमी फॉरनर है यानी कोरियन, इसलिए मॉम को तो वो पसंद नहीं। बट वो उनकी बेटी यूना को बहुत लव करती हैं। रेविच के मना करने के बाद भी मॉम पिम के घर जाने लगती हैं ताकि पिम की रेविच से शादी करा सके। रेविच के घर की मेड का एक ही काम है और वो है सबकी बातें सुनकर मॉम को चुगली कर देना। रेविच सुनमी से कहता है कि मॉम तुम्हें फॉरन की वजह से नहीं बल्कि इसलिए डिसलाइक करती है क्योंकि उन्होंने तुम्हें अपनी पसंद से सिलेक्ट नहीं किया था। सुनमी कहती है थैंक गॉड तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वरना तो सासू माँ घर में ब्लास्ट कर देती। बट पता चलता है रेविच की एक फॉरनर गर्लफ्रेंड है लेक्सी, पर वो काम की वजह से थाईलैंड नहीं आ पाई। इधर हम हमारी हीरोइन राघवा को देखते हैं जो एक बॉक्सर है। राघवा और चौट दोनों ही अनाथ है और भाई बहन की तरह रहते हैं। पहले तो राघवा थोड़ा पिटती है और फिर सामने वाले को धो डालती है। इनफेक्ट वो पैसों के लिए बॉक्सिंग फाइट करती है क्योंकि उनपे बहुत सारा कर्जा है। मॉम पिम को ले आती हैं ताकि उसकी रेविच के साथ सेटिंग कर सके। देन रेविच वाज लाइक मॉम आप मैच मेकर का धंधा क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती। वैसे पिम भी एक नंबर के ड्रामेबाज है। कोरियन होने की वजह से सुनमी की थाई लैंग्वेज थोड़ी वीक है और वो रेडिश की जगह रेड का सूप बोल देती है। पिम रेविच पे लाइन मारती है बट वो उसे इग्नोर करके अपने काम में लगा हुआ था तो वो छिड़के भाग जाती है। रेविच अपने ब्रदर को बताता है कि मैं पिम को रोमांटिक वे से नहीं देखता, तो ब्रदर समझ जाता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। रेविच अपनी नैनी आंटी वैन को कॉल करता है बट फोन नहीं लगता। इधर डॉक्टर बताते हैं कि आंटी वैन अब नहीं बच पाएंगी। आंटी वैन ने राघवा की बहुत हेल्प की थी इसलिए वो टेम्पल जाने का डिसाइड करती है। इधर एक लेडी प्रेग्नेंट होने का नाटक करके रेविच की आईज पे स्प्रे छिड़क देती है और गुंडे उसका पैसे और पर्स छीनने के लिए उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। राघवा और जॉर्ड ये देख लेते हैं तो राघवा उन गुंडों की धुलाई करके उसे बचा लेती है, पर गुंडे भाग जाते हैं। बट रेविच उसे ही उल्टा चोर बोलने लगा था तो वो उसके आईज पे पानी डाल देती है। रेविच कहता है तुम दिखने में तो गुड लुकिंग हो तो चोरी क्यों करती हो। राघवा उसे समझाती है बट वो नहीं सुनता तो वो चली जाती है। बट रेविच पुलिस की धमकी दे रहा था। राघवा का अंकल जो शराबी है हमेशा पीने की सोचता रहता है इसलिए उनमें छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। आंटी वैन की डेथ हो जाती है तो वो रोते हुए उनके लिए प्रेयर कर रहे थे बट उनका हाथ हिलते थे एक डर के मारे भाग जाते हैं। रेविच का फोन और कार्ड सब खो गए थे इसलिए वो परेशान था। इधर ये तीनों अभी भी डरे हुए थे और आंटी वैन का फोन देखने लगते हैं। बट तभी रिंगटोन बजते ही तीनों डर के मारे चिल्ला पड़ते हैं। इनफेक्ट वो रेविच ने फोन किया था और उसे पता चलता है कि आंटी वैन की डेथ हो गई तो वो उनके फ्यूनरल पे जाता है। पर रेविच और राघवा एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वो उसे चोरने बोलकर अपना पर्स वापस मांग रहा था बट वो उसे झूठा बोल रही थी और दोनों लड़ने लगे थे। और फिर क्या, वो उसके ऊपर पानी उठा के डाल देती है। तभी वहाँ पे मनी लेंडर पैसे लेने आ जाते हैं। उनके पास पैसे नहीं थे तो उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है, मतलब फ्यूनरल को लड़ाई का खड़ा बना दिया। रेविच बेचारा आंटी वैन की डेड बॉडी को बचा रहा था। पुलिस आकर मनी लैंडर्स को पकड़ के ले जाती है। रेविच फिर से उसे पर्स चोरने बोल रहा था बट वो कहती है कितनी बार बताऊं मैंने तुम्हारा पर्स नहीं चुराया। रेविच उनका पीछा करते करते वहाँ जाता है और देखता है जॉर्ड के पास उसका पर्स है जो पैसे गिन रहा था। वो उसे पकड़ लेता है बट जॉर्ड के पास सच में उसका पर्स था।
तो वो उसे पनिश करती है। इनफैक्ट वो बहुत गरीब है, इसलिए जॉर्डन ने उनका पर्स चुरा लिया था। रैविच अपना पर्स लेके खिसकने वाला था, बट तभी वहाँ पे कर्जे लेने वाले आ जाते हैं और उनके घर का सामान उठा के बाहर फेंकने लगे थे, क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से उनका कर्जा वापस नहीं किया था। यहाँ तक कि जॉर्ड को मारने वाले थे, तो रैविच ये बोल देता है कि मैं इनका कर्जा पे कर दूंगा। वो उसका पर्स ही छीन कर चले जाते हैं। राघवा उसका थैंक यू करती है और कहती है कि मैं जल्दी से तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। रैविच को उसकी मॉम का शादी के लिए फोन आता है, तो वो कहता है तुम्हें पैसे वापस करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए जॉब है। वो कहती है सच में, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। वो कहता है तुम्हें मेरी वाइफ बनना पड़ेगा। राघवा हैरान, तो वो उसे किक करके कहती है मुझे पहले ही लगा था तुम बैठ गए हो, माना कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि तुम खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, पर तुम तो बड़े बेशर्म हो, अभी सबक सिखाती हूँ। वो कहता है अरे मेरी बात तो सुनो, बट वो उसे पीटने लगती है। अंकल पूछते हैं क्या केस है तुम्हारे साथ। वो कहती है ये मुझे अपनी वाइफ बनाना चाहता है। अंकल कहते हैं क्या, कोई पागल भी राघवा को अपनी वाइफ नहीं बनाना चाहेगा, तुम में थोड़ा बहुत दिमाग है या नहीं, भोंदू कहीं कि जाकर कोई अच्छी लड़की ढूंढो, तुम्हें यही मिली है। राघवा बस लाइक अंकल आप उसे डांट रहे हो या मेरी बेइज्जती कर रहे हो, और रैविच का मैरिज प्रपोजल रिजेक्ट करके चली जाती है। बट अंकल के हार्ट में पेन होने लगता है और वो बेहोश, तो वो उन्हें हॉस्पिटल लेके भागते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अंकल को हार्ट डिजीज है, इसलिए उनकी ड्रिंक छुड़वानी पड़ेगी, बट अंकल तो पीने के लिए घर जाने लगे थे। वो उन्हें रोकते हैं क्योंकि हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होना था। जॉर्ड कहता है राघवा तुम्हारे पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, क्यों ना हम ट्रीटमेंट और फ्यूनरल को कंपेयर कर लें, जो सस्ता होगा वही कर लेंगे। तो अंकल उसका थपड़ा लगा देते हैं। अगर मॉम रैविच को कॉल कर करके परेशान हो गई थी, तो मेड कहती है जरूर वो किसी लड़की के साथ होगा, और मॉम को खूब भड़का देती है। मॉम का कॉल देख रैविच को आइडिया आता है और वो जानबूझ के राघवा की आवाज मॉम को सुनवा देता है। मॉम हैरान और जल्दी से फोन काट देता है। उसे लड़की के साथ सुन मॉम का तो बुरा हाल था। रैविच राघवा को अपनी वाइफ बनाने के लिए कह रहा था क्योंकि उसकी मॉम पिम से उसकी शादी कराने वाली थी, जबकि उसकी गर्लफ्रेंड तो फॉरेन में है। वो कहती है तुमने मुझे इसलिए चूज किया क्योंकि मैं बहुत सुंदर हूँ। वो कहता है ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं फॉरेन से आया हूँ और मॉम मेरी सारी फीमेल फ्रेंड्स को जानती हैं, इसलिए मैंने तुम्हें चुना, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। राघवा बस लाइक मुझे पैसों का लालच मत दो, मैं कभी हानि करने वाली। रैविच 50,000 से बढ़ते बढ़ते 5 लाख देने के लिए कहने लगा था, बट वो इग्नोर करने का नाटक कर रही थी। तभी जॉर्ड आकर उसे बताता है कि दो कर्जदार घर पे पैसे लेने के लिए खड़े हैं और तीसरे वाले का अभी फोन आ गया। तो राघवा कहती है तुम्हारी वाइफ बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। वो कहता है नहीं मैं किसी और को हायर कर लूंगा। वो कहती है नहीं मैं तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट हूँ। और फिर 5 लाख से घटाते घटाते 1 लाख लेने के लिए मान जाती है, तो वो भी हाँ कर देता है। इधर मॉम पता लगाने जाने वाली थी कि क्या रैविच के साथ सच में कोई लड़की है, पर यूना टॉयज लेने की जिद करने लगती है, तो वो उसे शॉपिंग पे ले जाती है। एक बच्चा पिम से टकरा गया था तो वो उसे डांटने लगती है, पर मॉम के सामने अच्छी होने का नाटक करती है कि मैं तो नाथ बच्चों के लिए गिफ्ट्स और टॉयज बाय करने आई थी। इधर ये बेचने के लिए ड्रिंक्स की बॉटल इकट्ठी कर रहे थे जो अंकल ने सिर्फ 1 महीने में ही पी डाली थी, जबकि उन्होंने आधी बॉटल्स में तो पानी भर के अंकल को पिला दिया था। राघवा उसके क्लोज आती है तो वो डर जाता है। रैविच राघवा को मेकओवर के लिए लेके जाता है, बट वो उसे ऐसे कपड़े पहनने से मना कर रही थी और कहती है मैं तो ऐसी बहुत सुंदर दिखती हूँ। वो कहता है नहीं मैं नहीं चाहता तुम्हें देख के मेरी मॉम को हार्ट अटैक आ जाए। राघवा कहती है ओके ओके ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो, मैं खुद ही तैयार होकर आ जाऊंगी, और खुद को फैशन गुरु बोलकर उससे पैसे लेके चली जाती है। राघवा बहुत टाइम से आई नहीं थी, तो रैविच को लगता है कि कहीं वो मेरे पैसे लेके तो नहीं भाग गई। पर तभी राघवा सिंड्रेला बन के आती है। वो तो उसे देख के हैरान था कि वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, और वो आंख मारती है, बट राघवा पैर मुड़ते ही पलट जाती है, उसका सिर नीचे और पैर ऊपर। वो उसकी हेल्प मांग रही थी, बट रैविच वाज लाइक ये कौन है, मैं इसे नहीं जानता। वो गुस्सा कर रही थी कि तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की, बट वो कहता है तुम कैसी बॉक्सर हो, इतनी क्लमसी हो कि तुम्हारी टांगे भी फैल गई। तो वो और गुस्सा हो जाती है। अंकल राघवा से कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझे ड्रिंक करने को कहा है ताकि मेरी जर्म्स दूर हो जाएं, बट उसे पता चल गया था कि अंकल झूठ बोल रहे हैं। बट अंकल उनका शॉपिंग बैग देख के फैल जाते हैं कि तुम्हारे पास मेरे ड्रिंकिंग करने के लिए पैसे नहीं है, तो शॉपिंग करने के लिए पैसे कहाँ से आ गए, तुम मेरे साथ भेदभाव कर रही हो। फिर वो तो झूठ बोल देते हैं कि
रेविच मुझे जॉब देने वाला है बैंकॉक में, तो मैं बॉक्सिंग ज्वाइन करने जा रही हूँ। पर अंकल को तो रेविच पे भरोसा नहीं था कि क्या पता वो कोई फ्रॉड हो। रेविच उन्हें बताता है कि मैं बहुत रिच हूँ और मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर अंकल नहीं मानते। बट जब राघवा कहती है कि ये मुझे 1 लाख देने वाला है, तो अंकल गुस्से से उठते हैं, दोनों डर जाते हैं। पर फिर जॉर्ज से कहते हैं, जल्दी से इसके कपड़े पैक करके इसे यहाँ से भगा। दोनों हैरान और रेविच से कहते हैं, मेरी नीस का ख्याल रखना, और उसे हक करने लगे थे। राघवा वाज लाइक, अंकल आपको मेरी चिंता नहीं है? बट अंकल और जॉर्ज तो टीवी फ्रिज बाय करने की बातें कर रहे थे। इधर मॉम रेविच और पिम की शादी के लिए पिम के डैड से मिलने जाने को बोल रही थी, जो सुनमी सुन लेती है और अपने हस्बैंड को बता रही थी। बट तभी मेड उनकी बातें सुनने जाती है, तो वो चुप हो जाती है। राघवा अपना सामान पैक करती करती उन दोनों को अपना ख्याल रखने को बोल रही थी, बट अंकल और जॉर्ज तो मजे से बैठे खा रहे थे और कहते हैं, तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे बैंकॉक नहीं US जा रही हो। लगता है बॉक्सिंग करते करते इसके दिमाग पे गहरी चोट लग गई है। अंकल राघवा के साथ जॉर्ज को भी ले जाने को कहते हैं, ताकि उसे अकेली डर न लगे। बदले में वो ड्रिंक ना करने का झूठा प्रॉमिस कर देते हैं। फिर राघवा को याद आता है कि आज तो उसका बॉक्सिंग मैच है, बट रेविच उसे अपने साथ जल्दी से घर ले जाने लगता है और बॉक्सिंग के लिए मना कर रहा था, ताकि बॉक्सिंग से उसका थोपड़ा ना बिगड़ जाए। बट वो कहती है, मैं बॉक्सिंग में कभी नहीं हारती। तभी अंकल आ जाते हैं, तो उसे भी बॉक्सिंग फाइट के लिए हाँ करनी पड़ती है। राघवा कहती है, इसको तो मैं फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर दूंगी। बट रियल में वो खुद ही बहुत पिट रही थी, एंड एवरीवन इज इन शॉक। नेक्स्ट सीन में जब राघवा की आईज खुलती हैं, तो उसका थोपड़ा बिगड़ा हुआ था। इनफैक्ट वो नॉकआउट होने से 2 घंटे के लिए बेहोश हो गई थी। वो घर पहुंचने वाले थे, इसलिए रेविच उसे जल्दी से सही से कपड़े पहनने को कहता है। इधर मॉम पिम के घर जाने के लिए रेविच का वेट कर रही थी, बट रेविच तो अपने साथ किसी को लेके आया था, जिसका हुलिया देख मॉम हैरान। वो कहता है, मॉम ये है मेरी वाइफ राघवा। और इसी के साथ पार्ट 1 का एंड हो जाता है। तो क्या मॉम राघवा को रेविच की वाइफ एक्सेप्ट कर लेंगी, या फिर उनमें होगा महायुद्ध? ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।